हम लोग सोच समझ के बात करना बना रहे हैं क्योंकि हमको बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट बात करना था आप लोगों से। हमको पता नहीं चल रहा था कि मतलब ये बात हम आप लोगों से शेयर करें या नहीं करें, और काफ़ी दिनों से हम इस बारे में सोच रहे थे इसको शेयर करना चाहिए इस बात को या फिर नहीं करना चाहिए। लेकिन हम सोचे लास्ट में कि आप लोगों से ये बात शेयर कर ही लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी मेरे फैमिली की तरह आपको जो बात भी होता है ना, जो बात भी हम सारा का सारा बात ब्लॉग में शेयर करते हैं, मतलब लगभग लगभग जितना बातें होती हैं सारा बात हम आप लोगों से शेयर करते हैं। हम सोचे कि ये जो प्रॉब्लम है वो भी आप लोग शेयर करें, समझ रहे हैं। तो हम ये बात शेयर करना चाह रहे जानते हैं कई जगहों पर ऐसा होता है ना, जैसे हमको आदत है कि हम जहाँ पर भी जाते हैं ना मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी हो रहा होता है मेरे साथ, जो भी जैसा भी हो रहा होता है मेरे आमने सामने सराउंडिंग में, तो हम उसको दिखाते हैं आप लोगों को और आप लोगों को बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, हमको ऐसा फीलिंग हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी हो रहा होता है एट द टाइम हम लोग वो बताते हैं। लेकिन अब मतलब अभी कभी क्या होता है, खेल के ऐसी जगह पर जाना होता है कि आप लोग जानते हैं कि मतलब हम काफ़ी जगह जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं और इधर उधर भी घूमने वगैरह भी और काफ़ी जगह जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है ना कि मतलब जहाँ पर जाते हैं लोग वहाँ पर मतलब ऐसा लोग कहते हैं कि भाई ब्लॉग बनाना मना है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई कहीं पर नहीं बोला कि भाई ब्लॉग बनाना मना है, ऐसे आप रोड पर चल रहे हो तो आप रोड पर तो ब्लॉग बना ही सकते हो। लेकिन कुछ लोग हैं, माफ कीजिएगा इसको बात में, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे देखेंगे लग रहा है जैसे फ़ोन कर दिए किसी का ऐसे देखेंगे, हालांकि उस सबसे तो कोई मसाइल भी नहीं है, कोई मसला भी नहीं है। लेकिन मेन बात क्या है, जैसे कॉलेज है, एक कॉलेज है कोई काफ़ी जाते हो गया एलएच कॉलेज है अपन जाते हैं, तो वहाँ पे लोग ऐसा कहते हैं कि ब्लॉग बनाना मना है। क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ वक्त पहले ना कोई लड़का था कुछ गलत बात बोल दिया था, गाली बोल दिया था या फिर कुछ अभद्र बात बोल दिया था, जिस वजह से मतलब वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था, उसका पूरा वीडियो जो था या रील्स जो था वो 9 मिलियन से ऊपर लोग देख लिया था। मतलब उसका कुछ गलत बोला था वो तो रील्स जो था डिलीट भी हो गया, लेकिन पता भी नहीं चला उसने क्या बोला था, हमको तो नहीं पता। लेकिन जहाँ तक न्यूज़ हम देखे हैं तो पता हमको चला कि मतलब कुछ अश्लील बात है, कुछ गाली सब का प्रयोग किया। हम भी ब्लॉग बनाए हुए हैं जिसको देखते, लेकिन हम भाई कहीं पर भी आप लोग देखेगा मजाक के फॉर्म में हम तक कुछ बोले हो, लेकिन हम कहीं पर भी अभद्र शब्द या गाली या फिर कुछ गलत वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या होता है कि पहले बात तो एलिस कॉलेज में ये ब्लॉग बनाना मना है, वीडियो बनाना मना है, और दूसरा बात ये कि मतलब वहाँ पे अगर आप ब्लॉग बना के रख लियो, हालांकि बहुत सारा इंसान ब्लॉग बना के रखे हुए, आप लोग जाकर सर्च कर लो एलिस कॉलेज पर बहुत सारा ब्लॉग आ जाएगा। लेकिन वहाँ पर मेन बात है कि मतलब बना के रख लिया है फिर, लेकिन फिर भी क्या है कि वहाँ पे कुछ जगह पे है जैसे लंगर सिंह होती है वहाँ पे एक मजाक के फॉर्म में फॉर्म में ही बोले, लेकिन हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम इस बात का कि उसको अपलोड करें या नहीं करें, इस बात का प्रॉब्लम है कि अगर हम उसको अपलोड करते हैं तो जैसे कि माफ कीजिएगा ऐसा बात की, हाँ तो मतलब क्या है कि उसको अपलोड करें या नहीं करें, क्योंकि ऐसा एक बार एक लड़का अपलोड कर दिया था आप लोगों ने जैसे पहले भी बताएं, तो उसके ऊपर स्कूल का एक प्रिंसिपल है वो जो है केस कर दिया, DSP को दे दिया, मतलब एलिस कॉलेज के पास भी एक पुलिस स्टेशन है वहाँ पर केस दर्ज कर दिया। हालांकि वो गाली का प्रयोग किया होगा, कुछ गलत शब्द का प्रयोग किया हम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी है कि मतलब क्यों यार पुलिस उठाए जाए। तो हम इसी बारे में सोच रहे थे कि यार डालें नहीं डालें, क्या करें क्या नहीं करें। तो आप लोग अगर कुछ कुछ लगता हो कि राय कॉमेंट अगर है आपके दिमाग में तो कॉमेंट में बताइए ताकि हम कुछ मतलब देख सके उसको डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हम उसको प्राइवेट में करके रख दिए हैं लेकिन अभी तक हम डाले नहीं है, क्योंकि हमको नहीं लगता, मतलब अभी हमको ठीक नहीं लग रहा है डालना या नहीं डालना, अपलोड करना या नहीं। तो आप लोग को अगर दिमाग कुछ आता हो तो बताइएगा, ठीक है। और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, सेहत का अपने और अपनी फैमिली का और अपना खुद का ख्याल रखिएगा, और ठीक है तब तक के लिए बाय बाय आपका खुदा हाफिज। Thanks. Love you. है लगा हुआ जो लिखता हर बात पे मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में, उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद, बेटे नाचते हैं।